मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों मैं कह रहा था ना, एक एक करके टॉपिक सब कराऊंगा। भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग, भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं, उसके बाद कुछ बात करते हैं। देखो सबसे पहले क्या डालो आप, एक क्वेश्चन आता है यूपी पुलिस में या एसएससी जीडी या पेट में, सब में एक क्वेश्चन देखने मिलेगा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या। इधर डाल लो आप राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, और यहां से डाल लो कहां से कहां तक, कहां से कहां तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, कहां से कहां तक, ठीक है। तो पहले डालो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर वन, ये कहां से, नंबर वन राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर वन, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर वन इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया। देखो किस तरह से याद करोगे, राष्ट्रीय जलमार्ग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राष्ट्रीय राजमार्ग करा चुका हूं, राष्ट्रीय जलमार्ग आज करा रहा हूं, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर वन इलाहाबाद से हल्दिया। तो आप याद रखना जी, मैंने नंबर वन ट्रेन पकड़ी, मैंने नंबर वन बस पकड़ी या ट्रेन पकड़ी, मैंने नंबर वन बस, मान लो मैंने नंबर वन बस पकड़ी, नंबर वन भैया बिल्कुल नंबर वन बस थी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हमें कहां से, इलाहाबाद से हल्दिया जाने तक, इलाहाबाद से हल्दिया जाने तक जलमार्ग संख्या एक, एक नंबर की बस पकड़ के इलाहाबाद से हल्दिया गया, एक भी दिक्कत नहीं हुई, मतलब कौन सी बस पकड़ी, नंबर एक की, कहां के लिए, इलाहाबाद से हल्दिया जाने के लिए। बस इस तरह से याद करना, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर वन, वन नंबर की बस पकड़ के कहां से गए, कहां तक गए, इलाहाबाद से हल्दिया, जहां में कोई दिक्कत नहीं हुई, नंबर वन बस थी, ठीक है, नंबर वन इलाहाबाद से हल्दिया। इस तरह से जब क्वेश्चन आएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या नंबर वन कहां से कहां तक, तो याद होना चाहिए नंबर वन की बस कहां से पकड़ी थी हमने, इलाहाबाद से हल्दिया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन हुआ है आपका, यहाँ पर बस पांच से सात है, आप लोगों को याद कर लो, एक क्वेश्चन फंसेगा, ये सब एक एक क्वेश्चन की क्लास में इसलिए करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी। और दोस्तों जिसको ना पता हो तो मैं एक चीज और बता दूं, आप पीएससी राज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। अब जितनी भी ब्लॉग है, ब्लॉग की वीडियो और प्लस लाइव, इस चैनल पर जाता हूं, एक तो अब इस पे ब्लॉग भी आएगी और लाइव भी इसी पे जाया करूंगा, ठीक है, ब्लॉग प्लस लाइव इसी पे होगी, पीएससी राज पर। अब उसको थोड़े दिनों, क्योंकि तीन चैनल हो गए दोस्तों, अच्छा नहीं लगता है मुझे भी ज्यादा चैनल करना, तो बस दो चैनल रखूंगा, जो राज यूपीपी ब्लॉग है उसको किसी और काम में लेंगे फिलहाल। तो अभी आप इतना समझो, पीएससी राज को आप लोग सब्सक्राइब करना, और इस पर अभी थोड़ी देर बाद एक बहुत अच्छी, बहुत ही ज्यादा फनी, बहुत ही मजा आने वाली ऐसी वीडियो में डालने वाला हूँ कुछ ही देर में, ठीक है, तो ब्लॉग की वीडियोस पे डालने वाला हूँ बहुत जल्दी, तो इसको चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। थोड़ा बहुत तो मेरे लिए कर ही सकते हो आप, इतना तो नहीं है कि मेरे लिए कुछ भी ना करो, कर लोगे ना कमेंट में बताना, ठीक है। दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या लिखते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या ये तो सब सेम रख दो, संख्या नंबर दो, बस संख्या नंबर चेंज होगी, ठीक है, संख्या नंबर दो सदिया से धुबरी क्या है, आप लोगों को मैं अभी बता रहा हूं क्या है सदिया से धुबरी। देखो एक जगह के नाम है सदिया से धुबरी कहां, ब्रह्मा नदी शायद ब्रह्मा नदी के पास से ही है ये सदिया से धुबरी। अब कैसे याद करोगे सदिया से धुबरी, इसको तो बहुत जानना जरूरी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि थोड़ी बहुत मिस्टेक आप लोगों को, ब्रह्मपुत्र नदी के पास है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के पास सदिया से धुबरी, दो नंबर भैया, दो नंबर की बस, अब मान दो नंबर आपको क्या करना था, दो नंबर की ट्रेन आपने कहां से कहां पकड़ी, सदिया से धुबरी, आपने कहा दो सदियां बीत गई भैया, ध्रुव गए हुए, मतलब कि धुबरी गए हुए दो सदियां बीत गई, यानी कि आपको दो सदियां बीत गई कहां, धुबरी से सदिया से धुबरी जाने के लिए, दो सदियां बीत गई धुबरी जाने के लिए। एक नंबर की बस पकड़ गए इलाहाबाद से हल्दिया नंबर वन बस थी, ठीक है। तीसरा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या डाल लो तीन नंबर की भैया का, आप तीन नंबर कैसे याद करो, कोल्लम से कोट्टमपुरम
कोट्टमपुरम, कोट्टम से कोट्टमपुरम, कोल्लम से कोट्टमपुरम, तीन लोग थे भैया जो जो कोल्लम से कोट्टमपुरम खूब जाते थे, तीन आप मित्र थे जो आपको कोल्लम से कोट्टमपुरम जाने में बहुत मजा आता था। आप तीन लोग कहाँ गए मिक्स करके, आप लोग इमेजिन कर लो कि हम तीन लोग थे कहाँ गए, कोल्लम से कोट्टमपुरम, कोल्लम से कोट्टमपुरम थ्री आपने वहां गए और थ्री तीन लोग गए साथ साथ कहाँ, कोल्लम से कोट्टमपुरम, तीन लोग साथ साथ कहाँ जाते हो कोल्लम से कोट्टमपुरम, ठीक है। चौथा बस राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या ऐसे ही आएगा और बस क्वेश्चन संख्या डालेगा जलमार्ग संख्या चार, और जलमार्ग संख्या चार क्या कहती है, काकीनाडा से मरक्कानामा, काकीनाडा से मरक्कानामा, मरक्कानाम काकीनाडा से, काकीनाडा से मरक्कानम, नंबर चार हार्ड है लैंग्वेज इसकी हार्ड है, इसलिए दोस्तों आप समझ सकते हो याद करना मुश्किल थोड़ा पड़ेगा, लेकिन आप एक नंबर बस पकड़ के कहां गए इलाहाबाद से हल्दिया, दो सदियां बीत गई धोबरी जाने के लिए, तीन दोस्त कहां गए कोल्लम से क्वालिटी, चार काकीनाडा से मरक्कानम, काकीनाडा से मरक्कानम, काकीनाडा से मरक्कानम, काकीनाडा से मरक्कापुर क्या लगा एक चौका, यहां से भैया चौका मारा हमने ग्राउंड में और काकीनाडा से मरक्कानम गया, एक ऐसा चौका मारा विराट कोहली ने कि कहां गया काकीनाडा से मरक्कानम, काकीनाडा से मरक्कानम क्या गया चौका, विराट कोहली का चौका कहां गया काकीनाडा से मरक्कानम, विराट कोहली का चौका कहां से गया, विराट कोहली एक प्लेयर है जिसके जिसके 10,000 रन भी नाम है, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। पांचवा, पांचवा सब सेम लिख दो, आपको कुछ करना ही नहीं है, इस तरह से लिखना है पांचवा, तलचर से धामरा, तलचर से धामरा, इजी नहीं पूछेगा कि अकबर का बेटा कौन, बाबर का बेटा कौन, हुमायूं का बेटा कौन, क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तभी तो जीके सबकी 10 बार क्वेश्चन हो पाती है, वो क्वेश्चन हम लोग पहुंच जाते हैं पूरा इतिहास पढ़ गए, क्वेश्चन मिलते हैं दो या तीन बस, या हो सकता है एक भी ना दे, पर जो चीज एक टॉपिक मात्र 5 क्वेश्चन 6 बस वो याद नहीं कर पाते हैं तो वो ही बस मात खाते हैं, तो पांच नंबर भैया क्या है, तलचर से धामर, तलचर से धामर, तल दो, तल दो भैया 5 किलो कुछ भी तल दो, 5 किलो मैं कह रहा 5 किलो, 5 किलो कुछ भी तल दो यार, 5 किलो भिंडी तल दो, आलू तल दो, आपने कहा 5 किलो तलचल, 5 किलो तलूंगा मैं, कुछ भी तलूंगा 5 किलो, तलचल यहां मिलेगा धामर मिल जाएगा, तलचल धामर, 5 किलो आपने क्या तले घुइया आलू टमाटर कुछ भी मान लो, 5 केजी आपने, 5 केजी तले, 5 केजी तले क्या आलू वगैरह कुछ भी मान लो, 5 केजी आपने तले, फीमेल तो बहुत अच्छी से गर्ल्स जो भी है ना सब अच्छे से याद करेंगे, अरे वाह आपने 5 किलो तले, बिल्कुल 5 किलो तले मतलब है जो भी अपने फ्राई लोग करते हैं कितनी क्वांटिटी है उसकी वो चीज तलते हैं, ठीक है। अब छठा तो बहुत ईजी भैया, छठा बहुत ईजी है, छठा बहुत ही ज्यादा ईजी है, कैसे लखीमपुर से भांगा, लखीमपुर से भांगा, अब कैसे याद करोगे 6, अरे भैया मेरे ये तो यार क्या बताएं यार, छक्का लगा के लखीमपुर से भाग गया, छक्का लगा के लखीमपुर से भाग गया, 6 लगा के लखीमपुर से भाग गया, यानी कि 6 लगाया और लखीमपुर से भाग गया, 6 लगा के लखीमपुर से भाग गया, 6 लगा के लखीमपुर से भाग गया, 6 लगा के लखीमपुर से भाग गया, दोस्तों ये 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो लैंग्वेज हार्ड है पर क्वेश्चन को इसी टाइप ही देता है तभी हम सब लोग मार खा जाते हैं, लेकिन याद करने पड़ेंगे, देखो फिर से एक बार पढ़ लो, नंबर 1 की बस पकड़ी इलाहाबाद से हल्दिया गए आप लोग, नंबर 1 बस थी, नंबर 2 क्या हुआ 2 सदियां बीत गई धुबरी जाने में, तीसरा क्या है कोल्लम से कोट्टमपुरम, 3 फ्रेंड गए थे कोल्लम से कोट्टमपुरम, चौथा क्या था चौका मारा विराट कोहली ने काकीनाडा से मरक्कानम गया, 5 क्या था तलजे 5 केजी आपने तलिए कुछ भी चीज, 6 नंबर लखीमपुर से छक्का मार के कहां भागे लखीमपुर से भागा, लखीमपुर से भागा। तो दोस्तों ये रहे आपके राष्ट्रीय राजमार्ग भी हो गए, राष्ट्रीय जलमार्ग भी हो गए, क्वेश्चन इसी टाइप के आने वाले, याद रखना 25 क्वेश्चन आपको इसी तरह से मिलते हैं, तो 25 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के एक एक क्वेश्चन वाले होते हैं, तब याद रखना तब आपको याद आएगी ऐसी क्लास होगी कि काश मैंने ऐसी क्लास कहीं पहले पढ़ी होती। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी मुझे बताना, और आप सभी को बता दूं फिर से एक बार कि मैं छुट्टी जा रहा हूं घर, अब हो सकता है क्लास कुछ दिनों बाद मिले, 8 दिनों बाद मिले क्लास, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको क्विज और जो रिकॉर्ड क्लास है वॉइस वाइस वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, हालांकि ऐसे ब्लॉइंग बोर्ड पे नहीं पढ़ा पाऊंगा तो उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं आपको सभी को, पता है 4-5-6 महीने होने जा रहे हैं घर भी नहीं गए, तो घर जाना बहुत जरूरी है, भतीजे का बर्थडे आप सभी को पता है, बता ही चुका हूं मैं, ठीक है। तो दोस्तों चलते फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद, और थोड़ी देर बाद ब्लॉग देखना ना भूलना।